Double trouble. छोड़ दो मुझे, मैं शादी नहीं करूंगा। अपने शादी फिक्स करने से पहले मुझे पूछा क्यों नहीं? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। नहीं 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 नहीं। मेरा बेटा शादी नहीं करना, अब हम क्या करेगी? मैं कुछ नहीं जानता, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बाय बाय टाटा, सी यू। अयो अयो, रुक जाओ चिंगम मां, चिंगम के अम्मा, उसको रोको, कोई तो उसको रोको। अयो अब उसे उसके दोस्त मोटू पतलू ही रोक सकते हैं। मोटू पतलू, चिंगम की शादी करनी है और वो शादी करना नहीं चाहता, वो भाग गया है, उसे पकड़ो प्लीज। चिंगम सर रुक जाओ, रुक जाओ सर। अरे चिंगम सर, गुस्सा थूक भी दो। अरे शादी करने जा रहे हो, किसी और या फ्रेंड में नहीं। तुम भी अम्मा अब्बा से मिले हो। अब ये बच के किधर जाएगा? सब दोस्त को बुला लो, हम चिंगम की शादी में जा रहे हैं। करने जा रहे हो, किसी को गिरफ्तार करने नहीं। हाँ चिंगम सर, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, अब मान भी जाओ। चिंगम, ये क्या नाटक है? तुम्हारे दोस्त कब से तुम्हें मनाने में लगे हैं और तुम हो कि मानते नहीं, तुम्हारा दिल मानता नहीं। शादी तुम्हारी है और ये लोग इतना ज्यादा परेशान है, तुमको शर्म आनी चाहिए। चिंगम, मेरे किसी भी दोस्त ने शादी नहीं की, फिर मुझे क्यों बसा रहे हो? पता नहीं कहाँ से आप दोनों को शादी का भूत सवार हो गया है। अच्छा खासा खुश था अपनी जिंदगी से और आप दोनों ने मेरी जिंदगी की सारी खुशी छीन ली। इतना मेलो ड्रामा मत करो, जिंदगी मेरी दांव पे लगी है, रोना मुझे चाहिए। आप क्यों रो रही हो? मैं चल रहा हूँ ना, तुम्हारी अच्छी अम्मा हो, प्यारी अम्मा हो, लेकिन शादी तो कैंसिल करो ना अम्मा। तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा अम्मा, अम्मा। वेलकम मिस्टर मोटेश्वर एंड मिस्टर पतलेश्वर आचार्य जी, यानी कि मोटू जी और पतलू जी।
क्या आप प्रोजेक्ट धरती की फाइल ले आए? ये लीजिए प्रोजेक्ट धरती की फाइल। इसमें ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल बनाने का फॉर्मूला लिखा है जो कि धरती से चांद तक मार कर सकता है और धरती, पानी, आसमान, पहाड़ कहीं से भी ये चलाया जा सकता है। इस मिसाइल के आने से हमारा देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। मुबारक हो, मुबारक हो। आप दोनों की मेहनत की वजह से ही ये प्रोजेक्ट धरती सफल हुआ। मैं आप दोनों को एक बड़ी पार्टी दूंगा। ये लीजिए प्रोजेक्ट धरती की फाइल। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। धरती की फाइल हमारे हवाले कर दो। तुम लोगों को कैसे पता चला? जरूर यहाँ कोई गद्दार है। कौन है जिसने देश से गद्दारी की है, अपनी धरती माँ से गद्दारी की है? बकवास बंद करो प्रोफेसर। वो फाइल कहाँ है जल्दी दो, वरना इस लेजर गन से सबको खत्म कर दूंगा। नहीं, ये फाइल तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। पतलू ये फाइल लेकर भाग जाओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फ्रीज। देखा, मेरी आवाज में इतना दम है कि फाइल के पन्ने भी फ्रीज हो गए। चलो साथियों। सब नहा धो के तैयार हो जाओ। धरती अपने मम्मी पापा के साथ हमसे मिलने के लिए यहाँ आने वाली है। सोचना होगा। ओके सर, हम अभी तैयार होके आती है। क्या, जॉन ने बैंक में चोरी की, मैं अब भी आया? चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। ये ड्रामे बाजी बंद करो और चुपचाप अंदर चल के तैयार हो जाओ, धरती आती होगी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। नहीं अम्मा, शादी नहीं करनी अम्मा। मोटू जी, इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रहे हो? पतलू जी, मोटू जी कहाँ हो, कहाँ हो मोटू जी? बोल कहाँ है मेरा दोस्त, बोल, बता, वरना ऊपर से ही फेंक दूंगा। मेरे दोस्त को तुम लोग कहाँ ले गए? बोलो, नहीं तो ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। बोलो। पतलू जी छोड़ो, मेरी आवाज तो निकलने दो। अरे मैं ही मोटू जी हूँ। अरे
अरे मोटू जी, ये क्या होलिया बना लिया? अरे जब तुम नहीं पहचान सके तो ये गुंडे भी नहीं पहचान पाएंगे। कैसा लगा मेरा गेटअप? ग्रेट, अब ठीक है। अब ये मुझे ठीक लग रही है। मोटू जी, मैं तो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। मैं भी ऐसा ही गेटअप लेकर आता हूँ, बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लो। मोटू जी, हम तो भेष बदल कर बच जाएंगे, लेकिन उस फाइल को कैसे बचाएं? वो फाइल हर हालत में उन गुंडों से वापस लानी होगी। अरे फाइल यहाँ है पतलू जी। सॉरी, जल्दी जल्दी में बताना ही भूल गया, मैंने चुपचाप वो फाइल बदल दी थी। क्या? मोटू जी, यू आर ग्रेट। अरे फाइल बचाने का इनाम ऐसे दे रहे हो? सॉरी सॉरी, कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। सॉरी। मैंने किसी को इसीलिए नहीं बताया कि पता नहीं कौन वहाँ दुश्मनों से मिला हुआ है और उसके सामने कहीं प्रोफेसर बाटली वाला ने ये कह दिया कि फाइल बच गई है तो वो गुंडे फिर से हमारे पीछे पड़ जाएंगे। वेरी गुड मोटू जी, वेरी गुड। एक मिनट रुको, अब देखो मैं भी ऐसा ही गेटअप बनाता हूँ। चलो अपने इस रूप की सेल्फी खींच के हेडक्वार्टर में भेज देते हैं और प्रोफेसर बाटली वाला को भी खबर कर देते हैं कि हम यहाँ हैं। आओ मेरे शेरो, आओ। फाइल ले आए? हाँ बॉस, ये देखो, ये रही फाइल। बड़ी मेहनत से फाइट करके लेके आए हैं। आशा खुश हुआ, बेतहाशा खुश हुआ। काला, मेरा डायलॉग तो पूरा होने दो। अब मैं पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करूंगा, जानते हो कैसे? देखो ऐसे। मिसाइल्स तैयार है, सिर्फ उन्हें चलाने का कनेक्शन मुझे नहीं पता था जो इस फाइल में है। अब मैं पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता हूँ, हर देश को धमकी दूंगा। मुझे मेरी मांगी कीमत दो वरना तुम सब खत्म, और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पाशा बेतहाशा खुश हुआ। पाशा दुखी हुआ, बेतहाशा दुखी हुआ। ये सब क्या है? अरे तुम चुप करो, पहले मुझे तो गुस्सा हो लेने दो। फाइल कौन लाया? फाइल लाने से पहले पढ़ तो लेते। एकदम अनपढ़ हो क्या आप? ये कौन सी फाइल उठा लाए? ये किसी काम की नहीं है। ये प्रोजेक्ट धरती की फाइल नहीं है। तुम सब में कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? पाचा बॉस, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। कम से कम कोई तो पढ़ा लिखा है। कितने पढ़े हो तुम बीए में क्या? सर जी, मैं पांचवी फेल हूँ। पांचवी फेल?
मैंने अनपढ़ों की फौज पाली है। जी मैं बहुत पढ़ना लिखना चाहता था, मैं एमए बीए सब करना चाहता था, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पिताजी बीमार हो गए, फिर मेरी माताजी बीमार हो गई, मेरे 10 भाई बहन थे, उनमें सबसे बड़ा मैं ही था, फिर क्या था, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, इन छोटे छोटे हाथों से काम करता, दिन भर मेहनत कर थक के चूर हो जाता, फिर रात में सबके लिए खाना लेकर आता था। क्या बताऊं सर, अपने दुखों की कहानी। मैं पढ़ना चाहता था सर। चुप! अरे बंद करो ये फैमिली ड्रामा, शांत, कोई नहीं रोएगा। ये फाइल नकली है, असली कहाँ है? ओके ओके, ठीक है ठीक है, मोटू जी और पतलू जी 5-स्टार होटल में ठहरे हैं, इसलिए इस बार मैं जाऊंगा और अपनी एक्टिंग का कमाल करके वो फाइल ढूंढ लूंगा। अब देखना मैं कैसे एक्टिंग करता हूँ। चलो वहां चल के वो फाइल छीनते हैं, इससे पहले कि कोई और डॉन आकर वो छीन ले। धरती के पीछे कई लोग खड़े हैं। नमस्ते नमस्ते, यह चिंगम की मम्मी है और यह मेरा बेटा चिंगमा, इंस्पेक्टर चिंगमा, पुरपुरी नगर में मशहूर इंस्पेक्टर है। इसका चंगुल से बचना यम पॉसिबल है, बोले तो यम पॉसिबल है। और ये इनके दोस्त मोटू पतलू झटका और घसीटा राम। मोटू से तो बड़े बड़े गुंडे बदमाश डरते हैं और ये उनकी जम के पिटाई करता है, बड़े बड़े पहलवान मोटू से घबराते हैं। आयो नमस्ते नमस्ते, यह मेरी वाइफ और यह मेरी बेटी धरती, इसके फाइल में मैंने पूरा बायो डेटा दे दिया था, आपको इसके बारे में सब पता चल गया होगा। जी हाँ, आपने धरती की फाइल इतनी अच्छी बनाई है कि ऐसा लगता है जैसे हम उसे बचपन से जानते हैं। अम्मा, लेकिन पसंद करने के लिए देखना बहुत जरूरी है और देखने के लिए कन्ना सिर ऊपर उठाना बहुत जरूरी है ना जी, है ना? ब्रेड सब उठा, सर उठा, सामने धरती को देख। रख दीजिए, हाँ ठीक है, मैं पहुंच गया। हम है डॉन के डॉन, कुंडली डॉन, बोलो कौन? कुंडली डॉन। शाबाश, एक दिन मैं अपने हाथों से तुम्हारी कुंडली बनाऊंगा। हमारी कार पार्क कर देना, गिव हिम द कीज रे। Oh,
अपना परिचय देने की आज्ञा दे। मैं हूँ डॉनों का डॉन कुंडली डॉन। बोलो कौन? कुंडली डॉन। शाबाश शाबाश। ये मेरे साथी है राहु केतु शनि मकर तुला मिथुन कन्या और कुंभ। शादी हो ब्याह हो मंगनी हो सगाई हो हल्दी हो उत्तान हो सबके कुंडली बना के मैं ही मुहूर्त निकालता हूँ। सुना है आपकी बेटी की शादी है, बोलो तो कुंडली बना के मुहूर्त निकाल दूँ। अयो तुम कुंडली बनाने का कितना पैसा लोगे? सिर्फ 10 करोड़ रुपए। अयो 10 करोड़? अरे किस नहीं, मेरा होने वाला दामाद इंस्पेक्टर है। हेलो मिस्टर बबलगम कमिश्नर जी, यह तुमको जेल में डाल देगा। यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट शब्द मुझे समझ में आता है, लेकिन मेरे साथियों की बंदूकों को नहीं। गोली चली, दुर्घटना घटी, राहु के तो लड़की को ले चलाओ। लड़की को वापस करने का 10 करोड़। अरे लड़की को जल्दी उठाओ रे, गाड़ी में ले जाओ। मुझे शादी नहीं करनी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इसको अरे वो धरती को ले जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरे यार कुंडली डॉन और उसके साथी धरती को उठा के ले गए यार, और उसे वापस करने के लिए 10 करोड़ मांग रहे हैं यारो। हाँ, जल्दी पीछा करो। वो देखो उनकी कार फ्लाई ओवर में टर्न ले रही है, और इसी फ्लाई ओवर के नीचे वाले फ्लाई ओवर से निकलेगी। ओके, जब मैं 1 2 3 कहूंगा तो सब एक साथ मिलके उस कार पे जंप मार देना, फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। 1 2 3 जंप। तुम मेरे साथ चलो और तुम उन्हें संभालो। एक मिनट, हम कुंडली बनाते हैं, फाइट नहीं करते। और इस समय हमारे कुंडली में राहु पे केतु बैठा है और शनि पे मंगल भारी है, यानी कि 14 दिन के लिए इससे शुभ अवसर और कोई नहीं होगा। 14 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर मिलेंगे। धरती बेटा, तुम्हें ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, थैंक्स टू मोटू पतलू। ये लोग बहुत बहादुर हैं। धरती जी, आज से आप होटल में ही रहेंगी, शादी भी यही होगी और यहीं से आप फुरफुरी नगर जाएंगी। ओके जी ओके, हमको भी डर है कि वो लोग हमारे घर पे ना आ जाए। अरे ये रूम कुछ अपना नहीं दिख रहा, तैयार हो गए क्या? तुम चलो, मेरा कॉइन कहीं गिर गया है, मैं लेकर आता हूँ। ओके, लेकिन जल्दी आना। ओहो वाह, कॉइन वापस आ गया।
अरे मेरे जूते कहाँ है? शायद इस पलंग के नीचे रखे थे। थैंक यू। लेकिन किससे कहा? नीचे कौन है? कौन है? अरे किसने मारा? बहुत जोर से मारा रे। पर्दे के पीछे कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है पर्दे के पीछे? अरे पर्दे के पीछे तो तुम हो, फिर बेकार सवाल क्यों पूछ रहे हो? सॉरी, पर्दे के पीछे तो मैं हूँ, लेकिन पर्दे के सामने कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर कोई चोर चोरी करने आया होगा और मुझे बुद्धू बना के भाग गया। अरे हम कब तक इन साइंटिस्ट के सूट में घूमते रहेंगे? चलो कपड़े बदल लेते हैं। हाँ, ये हमारे ही साइज के लग रहे हैं। अरे ये फ्रेम तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे भागो, अपने रूम में चलो। जैसे ही मोटू जी पतलू जी हमें दिखेंगे, तुम दोनों व्हील चेयर छोड़ के चले जाना। फिर देखना मैं कैसे अपनी एक्टिंग से उन दोनों का दिल जीत के उनका दोस्त बन जाऊंगा। जाओ जाओ, छुप जाओ। मोटू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, चिंगम सर अगर शादी के लिए नहीं माने तो क्या होगा? कुछ तो करना होगा। एक्सक्यूज मी यंग मैन, आप दोनों शरीफ इंसान क्या मेरी मदद करोगे? कॉरिडोर के ऊपरी एंड तक मुझे छोड़ दो प्लीज। जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं छोड़ देता हूँ। पतलू तुम चलो, मैं इन्हें छोड़ के आता हूँ। आप कितने अच्छे इंसान हो। ये बॉस को हो क्या गया है? कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। बस, और मत बोलिए, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। हाँ पतलू बोलो, क्या स्विमिंग पूल पे आ जाऊं? ओके, मैं अभी मुझे अपने रूम में ले चलो। मैं चल भी नहीं सकता। मेरे नौकरों का भी पता नहीं है, कहाँ है वो? मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। जी हाँ, आप हमारे कमरे में आराम कीजिए। बॉस, आप ठीक तो हो ना? शर्म नहीं आती? इनको छोड़ के चले गए, बेचारे कितने परेशान थे। ले जाओ इन्हें, इनके कमरे में ले जाओ और फिर कभी अकेला छोड़ा तो देखना। सॉरी बॉस, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम दोनों क्यों आए? क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? बॉस, आप इतने ऊपर से गिर गए थे, हम डर गए थे। ओके, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट टाइम मैं बुलाऊं तो भी नहीं आना। मैं जितना भी चीखूं चिल्लाऊं, आना मत,
क्योंकि मैं उनकी सही गेन करने के लिए चिल्ला रहा होऊंगा, समझे? समझ गए बॉस। नहीं करना, मेरा मन नहीं है और आप मेरी शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। उसको शादी ही नहीं करना। डोंट वरी, मैं उसे माना लूंगा, वो हमारा बेटा है। चिंगम को मनाना अब उसके दोस्तों का काम है, ये टास्क मैं उनको दूंगा। यस, मम्मी का फुल टू ड्रामा। इस फाइल को कहीं छुपा देता हो तो रोज रोज ये लोग मुझे उसकी फोटो नहीं दिखाएंगे। फोटो 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 नो फोटो। यस, चिंगम स्टॉप, रुक जाओ। मोटू पतलू, चिंगम धरती के पाइल लेके भाग गया है, रोको उसे। ये क्या हो रहा है? सब मेरे ऊपर सीने से क्यों खेल रहे हैं? पतलू जी, ये वही गुंडा है जो धरती की फाइल के पीछे पड़े हैं। ये तो वही दोनों हैं जो बातें कम करते हैं, मारते ज्यादा हैं। ये धरती की फाइल है, इसे जला दो, मार दो, नदी में डाल दो, नष्ट कर दो। यस, मैं घसी के मेरे पाए। मेरी यार, मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। मैं चिंगम सर को पकड़ो यार। मेरे पाए, मेरी यार, ये धरती की फाइल है, इसे जला दो, फाड़ दो, नदी में डाल दो, नष्ट कर दो यार। बड़े भैया बताओ तो। अरे रुको तो, क्या कोई यहाँ रेस चल रही है? मैं उनसे पूछता हूँ। धरती की फाइल है, फाड़ दो, नष्ट कर दो, जो करना है कर दो। मेरी फाइल को हाथ भी लगाया तो छोड़ूंगी नहीं। आज तो सारे ग्रह मेहरबान है। पहले फाइल मिली, फिर धरती दिखी। पकड़ो इसे। मैंने फाइल तो कुंडली डॉन के हाथ में दे दी, ये क्या किया? तुम दोनों जाओ और पता करो कि वो दोनों मोटू जी पतलू जी कहाँ हैं, फिर मुझे खबर करो और मैं अपनी एक्टिंग का जाल फिर से बिछाऊंगा। ध्यान रहे, इस बार मैं बुलाऊं तो भी नहीं आना, समझे? जी बॉस। जी बॉस। जंगा पंगा। हाँ बॉस जी। मैंने क्या कहा था? बुलाऊं तो भी मत आना। अर्थी प्रोजेक्ट हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे। लगता है दूसरा गैंग भी धरती के पीछे पड़ गया है, जल्दी चलो। ए सुनो, तुम लोग धरती का पीछा क्यों कर रहे हो? धरती हमारी है, खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया तो। धरती हमारी है, खबरदार उनको छुआ तो। ओए पंगा, ये तो हमसे ही पंगा ले रहा है। आज कुंडली में उल्टा लटकने का योग है। लटके रहो, लटके रहो। चिंगम सर कहाँ गए? हेलो,
जेंटलमैन, क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे? तुम एक मदद करोगे, वो 10 लाख करेगा। तुम्हारे बच्चे जिए, दूधो नहाओ, पूतो फलो। पतलू, मैं इस दुखी इंसान की मदद करके आता हूँ। तुम आगे जाओ और चिंगम सर को ढूंढो। ओके मोटू, पिछली बार तुमने इनकी मदद जरूर की थी, लेकिन इनका बुरा हाल हो गया था। इस बार ख्याल रखना। अयो मोटू, मैं क्या करूं? पता नहीं ये चिंगम कहां चला गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढता हूँ। मैं फिर से स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहता। सॉरी सॉरी, मैं अभी आया। सॉरी भैया। वाह बॉस वाह, क्या दर्द है आपकी आवाज में। एकदम असली लग रहा है बॉस। अरे असली ही है बेवकूफ। बॉस, अगर आपने हमें मना नहीं किया होता तो हम असली समझकर आ ही जाते। अच्छा बॉस, हम कॉफी शॉप में कॉफी पीकर आते हैं। गुड लक, इस बार फाइल मिल ही जाएगी। कीप इट अप। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कॉफी की पड़ी है? यहाँ मेरी धुलाई हो रही है। अरे बाहर से निकाल दो, कॉफी पीने मत जाओ। आप ठीक तो है? ऐसे क्या देख रहे हो? कभी नहाया धोया आदमी नहीं देखा क्या? क्या तुमने उन्हें लॉन्ड्री डक्ट में गिरा दिया? अरे गिरा नहीं दिया, वो गिर गए। जल्दी चलो, उन्हें बहुत चोट लगी होगी। सर, सर, ऐसे तो दुश्मनी करके ही फाइल लेनी होगी। जान प्यारी है तो भाग पाशा भाग। सर रुको तो, सर सर, आप तो भाग रहे हो। आपका पैर ठीक हो गया क्या? आपकी व्हील चेयर कहाँ है? हाँ, कुछ गड़बड़ है, वो भाग क्यों रहे हैं? पीछा करो। सर रुको, रुक जाओ ना सर। सर रुको, सर वो रहे। सर रुको तो, सर रुक जाइए ना। Oh,
प्रोफेसर पाटली वाला का फोन ही नहीं लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, यहाँ से जाए तो कहाँ जाए। उनसे कांटेक्ट होने तक यही छुप कर रहना पड़ेगा। ये तो मेरे पीछे आ रहे थे, अचानक सामने कहाँ से आ गए। रुक जाइए। ये इतनी जल्दी सामने कैसे आ गए। अरे देखिए तो, प्लीज सरजी, सरजी। अरे भैया सर, देखो तो, रुको तो। दोनों साइंटिस्ट बहुत कमाल के साइंटिस्ट हैं। वो एक पल में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अभी मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं और नेक्स्ट मोमेंट मैं देखता हूँ कि वो सामने से आ रहे हैं। जानते हो ये क्या है, जानते हो सर? एक बार मेरे साथ बचपन में ऐसा ही हुआ। मेरे माता जी और पिताजी दोनों बीमार हो गए। मैं 10 साल का छोटा सा बच्चा अपने छोटे छोटे हाथों से पैसे कमा के ला रहा था और कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। मैं जिधर भागता गुंडे उधर ही सामने दिखाई पड़ते और मैं नन्ही सी जान उनके लिए पैसे कमा के अपनी जान बचा के उधर उधर भाग रहा था। सर अपना रुमाल दोगे नाक पोंछने के लिए? अरे बंद करो ये फैमिली ड्रामा। होशियार सिंह, तुम तो मुंह खोला ही मत करो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच जाता है तो उसे टेलीपोर्टिंग कहते हैं। उन्होंने टेलीपोर्टिंग मशीन बना ली है। तो सर क्या उन गुंडों के पास भी टेलीपोर्टिंग मशीन थी जो मुझे हर तरफ दिख जाते थे अब? होशियार सिंह चुप करो, खबरदार मुंह खोला। तो मुझे वो टेलीपोर्टिंग मशीन भी चाहिए। जाओ जाओ 5-स्टार होटल में से दोनों साइंटिस्ट्स को पकड़ कर ले आओ। सुना है यहाँ का जिम बहुत ही अच्छा है, चलो पुत्रो चल के जिम में एक्सरसाइज करते हैं। मोटू तुम जाओ। मुझे बोला तुम जाओ और खुद जिम में आ गया। अरे वाह पतलू वाह, कुंग फू प्रैक्टिस कर रहे हो, अब तो कुंडली डॉन की खैर नहीं। कुंडली डॉन वो कौन है? अच्छा जो धरती के पीछे पड़ा है। ये प्रोफेसर पाटली वाला कहाँ गया? उसका फोन ही नहीं लग रहा, सुबह से ट्राई कर रहा हूँ। अरे कौन प्रोफेसर? अच्छा धरती का पिता, क्या वो प्रोफेसर है? पिता? धरती का पिता मतलब? सर ये लीजिए फ्रूट जूस, होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। वेटर भैया कुछ समोसे भी ले आना, जब से आया हूँ एक भी समोसा नहीं खाया। अरे मोटू जी तुम समोसे कब से खाने लगे? तुम्हें क्या हुआ पतलू? अरे ये पतलू जी कहाँ है, फोन ही नहीं उठा रहे। अरे ये मोटू कहाँ है, फोन ही नहीं उठाता।
अरे पतलू जी, तुम इस रूम से कैसे निकल रहे हो? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठाते? क्या कहा मोटू? इस रूम से मतलब? अरे यही तो हमारा रूम है। अरे पतलू जी, तुम्हें क्या हो गया है? हमारा रूम ये है, देखो 1006। लगता है रूम नंबर एक जैसे है ना, इसीलिए तुम गलती से उस रूम में चले गए। अब जल्दी चलो, नाश्ता नहीं करना है क्या? नाश्ता तो करना है पतलू जी, लेकिन गलत रूम में तुम थे, मैं नहीं। अरे मैं गलत रूम में नहीं था, तुम थे। मैं गलत रूम में नहीं था, कल से मैं उसी रूम में हूँ। पतलू जी, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी। That is final, नल, final। तुम शादी करेगा। That's an order, वरना मैं तुम्हें हवलदार बना दूँगा। Yes। अरे ये लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं? चलो यहाँ से। Hands up, कोई नहीं लेगा। You hands up. The name is Chingam. और चिंगम के चंगुल से बचना impossible. Yes. अयो मेरा स्वामी कितना बहादुर जी। निकल गई ना सारी हकड़ी, अब जल्दी से जेल चलो। मोटू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। अरे पतलू जी, इसका क्या मतलब हुआ कि समोसे खाओ और क्या शुरू हो जाओ? बूढ़ी बाबा, मोटू तुम भूल गए कि समोसे खाने के बाद में तुम्हारे अंदर में इतनी पावर आ जाएगी जो मैं 20 साल में कभी नहीं देखा। जा मोटू, धो डालो उन्हें। कैसे धो, किसे धो? अरे मैं लड़ नहीं सकता, फिर मुझे क्यों लड़ा रहे हो? लगता है यहाँ के समोसों में इतना दम ही नहीं जितना फुरपुरी नगर के समोसों में है। सब एक साथ खा लो। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने जिंदगी में कभी भी इतने समोसे नहीं खाए। पतलू जी, तुम्हें ये क्या हो गया है? मोटू अब रोना धोना बंद करो और उन्हें धो डालो। सॉरी, मैं कोई धोबी नहीं और वो ना कोई कपड़े है, मैं तो हैंड्स अप भी कर सकता हूँ। बस बहुत हो गया तुम्हारा कॉमेडी ड्रामा, हैंड्स अप और हमारे साथ चलो। बॉस, हम इन दोनों को ले आए। पतलू, ये हम कहाँ आ गए? मुझे नहीं पता मोटू जी। आशा खुश हुआ, बेताशा खुश हुआ। शांत काला, शांत। पहले मुझे तो अपने डायलॉग्स बोल लेने दो। मोटू जी, पतलू जी, मुझे दोनों चीजें चाहिए। पहली धरती की फाइल और दूसरी तुम्हारी टेलीपोर्टिंग मशीन। टेलीपोर्टिंग मशीन? वो क्या है? हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है। इसका मतलब है कि एक बात तो तुम कबूल करते हो कि तुम्हारे पास प्रोजेक्ट धरती की फाइल है। लाओ वो फाइल मुझे दे दो, वरना तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। चाहे तुम हमें खत्म कर दो, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन वो फाइल तुम्हें नहीं देंगे। क्यों मोटू जी? तुम हमें गोली से उड़ा दो या सूली पे चढ़ा दो, नहीं देंगे, नहीं देंगे वो फाइल, चाहे खाक में मिला दो। डरते नहीं किसी से हम, हमें है इतना कम, मिट जाएंगे यहीं पे, पर फाइल नहीं देंगे हम। वाह वाह वाह, बहुत शानदार है।
बंद करो ये बकबक, यहाँ कोई कवि सम्मेलन नहीं हो रहा है। मैं 3 गिनूंगा, दे दो मुझे वो फाइल वरना बदल दूंगा तुम्हारी लाइफस्टाइल। वाह 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 वाह। मैं क्यों कविता कर रहा हूँ? अगर ये फाइल ना दे तो इन्हें लेजर गन से उड़ा दो। बड़े भैया रुक जाओ रुक जाओ, फाइल हमारे पास है ही नहीं तो हम पे गोलियां क्यों चला रहे हो? फाइल तो कुंडली डॉन के पास है, मैंने उसे दे दी थी। क्या? जाऊंगा, जाओ और इस कुंडली डॉन को लेकर आओ। क्या? धोखेबाज गद्दार मोटू जी, तुमने फाइल कुंडली डॉन को दे दी। बोलो कितने में बेची है वो फाइल, बोलो मोटू जी। अरे पतलू, एक फाइल के लिए अपने दोस्त को मार रहे हो? वो सिर्फ एक फाइल नहीं, हम सबका सपना है। मोटू जी कितने में बेची वो फाइल, क्योंकि देश से गद्दारी। पतलू अपने दोस्त को मार रहे हो, वो भी एक फाइल के लिए। मोटू जी फाइल क्यों बेची? गद्दार मक्कार धोखेबाज। अरे फाइल बेची नहीं, मैंने तो उसे हाथ में ऐसे ही दे दी थी। चिंगम सर को सब बताऊंगा कि एक फाइल के लिए तुमने मुझे कितना मारा। बोरिंग, ये वन साइडेड फाइट में मजा नहीं आ रहा। मोटू जी आप भी फाइट करो तो मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त पे हाथ नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो तुम्हारे दोस्त को लेजर गन से उड़ा दिया जाएगा। बबला पतलू जी को खत्म कर दो। नहीं उसे मत मारो प्लीज, चाहो तो मुझे खत्म कर दो। बहुत ही आराना लगता है। पतलू जी को बचाना है तो तुम्हें उससे फाइट करके उसे हराना होगा। अगर तुम जीत गए तो पतलू जी बच जाएगा, और अगर हार गए तो पतलू जी खत्म। कमान पतलू, फाइट में हार जाना ओके? धोखेबाज मक्कार, अब जी के भी क्या फायदा, फाइल तो तुमने बेच दी। मुझे तुम्हें बचाने के लिए तुमसे लड़ना ही पड़ेगा। मोटू जी तुमने इतनी अच्छी फाइट कहाँ से सीखी? जहाँ से तुमने सीखी। बॉस, आशा बॉस, मैं मोटू जी पतलू जी को पकड़ के ले आया हूँ। शकल के दो लोग कैसे? जरूर इन दोनों ने हमें कंफ्यूज करने के लिए ये चाल चली है, ताकि हम नकली के पीछे पड़ जाएं और असली भाग जाएं। लेकिन चारों पकड़े गए हैं। पाशा खुश हुआ, बेतहाशा खुश हुआ। ओ,
इनमें से दो असली हैं और दो नकली। किन्हीं दो चेहरों पर मास्क है। इनके मास्क उतारो। बुढ़ी बाबा, यहाँ तो चारों के चारों असली लग रहे हैं। ओए कसम मेरे मरीजों की, मैं तो असली और नकली पहचान ही नहीं पा रहा हूँ यार। मुझे लगा ही था मैं जिससे लड़ रहा हूँ वो मोटू जी हो ही नहीं सकता। मोटू जी फाइट कर ही नहीं सकता, इसका मतलब मोटू जी वो है। मुझे तभी लगा था कि जब ये समोसे नहीं खा रहा तो मोटू नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब मेरा मोटू वो है। जल्दी बताओ, तुम दोनों में साइंटिस्ट मोटू जी पतलू जी कौन है? पता नहीं लगना चाहिए कि साइंटिस्ट हम हैं, वरना हमसे फाइल छीन लेंगे। ये है साइंटिस्ट, ये है हम नहीं। बड़े भैया तुम बताओ इन्हें कि हम फुरफुरी नगर वाले मोटू पतलू हैं। बड़े भैया तुम ही बताओ इन्हें कि फुरफुरी नगर वाले हम हैं। चिंगम सर आप ही बताओ ना इन्हें कि हम आपकी शादी के लिए आए हैं। अरे चिंगम सर आप इन्हें बताओ ना कि हम यहाँ पे आपकी शादी के लिए आए हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन हमारा मोटू पतलू है। हम है पतलू हम है। अरे बंद करो ये गुर्राना, यहाँ पहले से ही इतना ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है और तुम आके गुर्र गुर्र कर रहे हो। माथा फिरा हुआ है, भेजा गरम है, कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा गुस्सा तुम पे ही उतर जाए। चलो भागो यहाँ से, वरना दूंगा घुमा के। जाओ तो तुम हो कुंडली डॉन? जी हाँ, हम है कुंडली डॉन रे। अगर तुम डॉन हो तो हम भी डॉन है। हमारे साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसा एक डॉन दूसरे डॉन के साथ करता है। ओके ओके, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रोजेक्ट धरती की फाइल कहाँ है? ओ, फाइल तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, लेकिन फाइल के साथ धरती भी चाहिए तो 10 करोड़ देने पड़ेंगे। हाँ जंगा, फिर से इस डॉन की खातिरदारी करो। ओहो, एक मिनट, आप मेरी बात सुनो। वो फाइल मेरे पास नहीं है। अरे धरती मुझसे छीन कर ले गई। ये धरती कौन है? आओ, इसकी शादी इस चिंगम से होने वाली है। चिंगम, वो फाइल दे, वरना तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा। ये क्या है? मुझे ये फाइल नहीं, प्रोजेक्ट धरती की फाइल चाहिए जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है।
पाशा बॉस, अगर तुम्हें ये फाइल नहीं चाहिए और ये धरती नहीं चाहिए तो मैं ले जाऊं इन्हें। ये मेरा प्रोजेक्ट है, पूरे 10 करोड़ का सवाल है रे। चुपचाप खड़े रहो। चंगा पंगा, जाओ हमारे ट्रम्प कार्ड को लेकर आओ। अभी पता चल जाएगा कि साइंटिस्ट मोटू पतलू जी कौन है। तभी ये हमारे फोन नहीं उठा रहे थे। अरे ये तो यहाँ कैद है। प्रोफेसर बाटली वाला, जिंदगी चाहिए तो जाओ और पता करो इनमें से असली मोटू जी पतलू जी कौन है, वरना तुम्हें यही सबके सामने खत्म कर दिया जाएगा। ये फाइल सेफ जगह पर है ना, यहाँ तो नहीं लाए? कौन से फाइल? ये फाइल सेफ जगह पे तो है ना, यहाँ तो नहीं लाए? फाइल मेरे कदमों में छुपी है लेकिन किसी को भी पता नहीं है। पाशा, ये रही फाइल और ये दोनों साइंटिस्ट। धोखेबाज गद्दार, तुमने इस देश के साथ गद्दारी की है। ये न्यूक्लियर मिसाइल हमारे देश के लिए है, तुमने दुश्मनों को बेच दी। मैंने दुश्मनों को बेची नहीं है, बल्कि मैं खुद ही दुश्मन हूँ। मैं और पाशा मिलके पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे। पतलू, अपने देश की इज्जत का सवाल है, ये फाइल दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। पतलू मेरे दोस्त, इस देश में देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये फाइल इनके हाथ कभी नहीं लगेगी। Who's can play the same games? फाइल मुझे दो। नहीं। फाइल मुझे दे दे पतलू। नहीं। होशियार सिंह, कभी तो अकल से काम लिया करो। एक बार मेरे साथ बचपन में ऐसा ही हुआ। अपना फैमिली ड्रामा बंद करो और फाइल छीनो। आइडिया। मैंने बेवकूफों की फौज पाली है, फौज। ईश, ईश, ये मटका नहीं, फाइल ले आओ, फाइल। आई द नेम इज चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, हैंड्स अप, आई से वरना चिंगम खत्म। क्या? रुक जाइए, आप इनको मारेंगे। रुक जाओ, तुम्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना क्यों मारते हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें आज नहीं छोडूंगी। छोड़ो, फाइल छीनो, फाइल छीनो।
वेरी गुड जंगा, वेरी गुड। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। शाबाश काला, शाबाश, ऐसे ही काटना। Who's can play the same games? तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? मारने का बड़ा शौक है ना? रुक जाओ। अम्मा अप्पा नमस्ते, माफ कीजिएगा। निकल ले रे, रुक जा। मोटू, उसने फाइल छीन ली। पाशो, कनेक्शन हो गया। पाशा खुश हुआ, बेताशा खुश हुआ। फायर, पहली मिसाइल फायर। मां तो कैसे भी मिसाइल को रोको। अरे पतलू, अब उसे खिलाओ ना समोसा। मुझे खिला खिला के हालत खराब कर दी। आइडिया, समोसा तो है नहीं लेकिन काम हो जाएगा। मोटू, होटल में मैंने समोसे ऑर्डर किए थे, अब तक आ गए होंगे। जल्दी ये फाइट खत्म करो, चल के गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। अभी लो, अभी लो। बॉस, बॉस, डोंट वरी, आज मिसाइल फायर होके रहेगी। मैं इसे ऑफ नहीं करने दूंगा, अपनी जान पे खेल जाऊंगा बॉस। अरे कमकल इंसान, बटन बंद करो वरना मैं भी खत्म हो जाऊंगा। आज बटन बंद नहीं होगा। सॉरी, गलती हो गई। बटन ऑफ करो, फिर मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। अरे रुक जा गदाधारी भीम, बच्चे की जान लोगे क्या? अरे यहाँ देख, मिसाइल चल रहे हैं और तू छोटी सोच वाली लाठी लिए मेरे पीछे पड़ी है। लाठी छोटी है ना? ओके, अब 10 सेकंड रह गए हैं। पाशा, बाय बाय। अरे कोई बाटली वाला को भी तो मिसाइल में अटका दो। चंगा जल्दी करो।
चुप रहो, मुझे रो लेने दो पहले। चार, पांच, चार, तीन, दो, एक, थैंक यू। इतने मिस चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। या लेकिन इतनी जल्दी बाल कैसे आ गए? हमने विग लगाए हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, है ना? All the best. All the best. अयो, आप रो क्यों रहे हैं? 10 करोड़ का नुकसान हो गया और वो गिफ्ट देना पड़ा 100 अलग। लेकिन आपको अंदर से कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आज आप पहली बार एक अच्छे इंसान की तरह शादी में दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए जो आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है रे, ऑल द बेस्ट। मैं धरती को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में खतरे में डाली, और मैं मोटू पतलू को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो ये हैप्पी एंडिंग कभी नहीं होता। 3 cheers for मोटू पतलू, मोटू पतलू, मोटू पतलू, मोटू पतलू, मोटू पतलू, मोटू पतलू।